उत्तर प्रदेश के मेरठ में हापुड़ के थाना भोजीपुर अतरौली गांव में दहेज लोभी सास ससुर व देवर समेत पति ने एक विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों की माने तो दहेज लोभी परिवार ने नव विवाहिता का पहले गला दबाकर मार डाला, बाद में परिवार का इससे भी दिल नहीं भरा तो मृतका को साक्ष्य मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए फंदे पर लटका दिया। मौके पर पहुंचे मृतका अंजलि के परिवार के लोगों ने मृतका की मौत पर जमकर हंगामा किया। मृतका के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया, राम अवतार ने अपनी पुत्री अंजलि 20 वर्षीय दीपक तोमर पुत्र सुखपाल तोमर निवासी ग्राम अतरौली में की थी। पुलिस ने दहेज हत्यारों के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हत्यारी सास को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। हमारी भी है, बहन हमारी भी है, ठीक है। तुमसे पहले हम आए यहाँ पर, तुम तो बाद में आए हो। हेलो, तुमसे पहले हम आए के लिए बताओ। हेलो, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।